मुकेश सैनी जी, आज तक पर आपका स्वागत है। और मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी के कई बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, मुकेश सैनी तैयार हैं इसके लिए? अभी तो हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रहा कि योगी जी या मोदी जी जय बोलने की बात है, तो निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण देने का, वो जिस रोज मोदी जी दे देंगे उस रोज हम योगी जी और मोदी जी जय बोलेंगे। और जब तक हमारे अधिकार को हमको नहीं देंगे, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उस रोज तक उनसे हम लड़ने के लिए तैयार हैं और स्वतंत्र और लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने समाज को हक अधिकार दिलाएंगे। जो यूपी के बड़े नेता हैं निषाद समाज के, डॉक्टर संजय निषाद, वो तो बीजेपी के ही साथ हैं और उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण भी देना होगा तो सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा है उनको कि यही सरकार आगे आने वाले वक्त में उनकी जो मांगे डॉक्टर हैं उसको संजय पूरा साहब करेगी। तो शायद अभी आए हैं, 19 में बीजेपी के साथ आए, हम तो 2014 से हैं और 2014 से लगातार संपर्क में हैं। बड़े माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से, सबके संपर्क में रहे। अभी तक तो हमें आरक्षण मिला नहीं और तकरीबन ये 7 साल गुजर गया है। अब मुझे लगता है कि राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी अभी उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो चाह नहीं रहे। अभी मुझे इस चीज का तो उम्मीद नहीं कर सकते कि लंदन में उनकी सरकार बनेगा और उसके बाद हमें बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में निषाद को आरक्षण मिलेगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नोनिया मलाह को, दिल्ली में आरक्षण सभी निषाद के सभी उपजाति को मिल रहा है, तो फिर बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी हमें स्पष्ट कर दे माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो मांग हम मांग रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, तो कल से ये मांग करना हम छोड़ देंगे। लेकिन जब अगर जायज मांग है, जब देश एक है, संविधान एक है, देश के विरोधी प्रधानमंत्री सुर हैं है, आपके? तो फिर समस्या किस बात का है? तो अभी तक नहीं हो रहा तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं आपकी बातों में। एक नहीं, तरफ तो निश्चित आप तौर बिहार पे में सत्ता में बैठे हुए हैं, अब बाकी लोग तो सुनकर यही कहेंगे कि वहां पर तो सत्ता में बैठे हुए हैं और भौहें भी तरेर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा तो श्री नहीं कि दो नीतीश नावों की कुमार, सवारी करना चाहते नहीं हैं मुकेश सहनी? देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके सरकार चला रहे, उसी तरीके से हम भी समर्थन देके सरकार चला रहे। वहां की स्थिति अलग है और राज्य सरकार से अगर आरक्षण लेना रहता तो अभी तक हम ले लिए रहते, लेकिन राज्य से होना नहीं, यही केंद्र सरकार को काम करना है। और हमारे सिर्फ बिहार में हम लोग एक दूसरे को सहयोगी है, उसके बाद हमारी पार्टी स्वतंत्र है पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए और हर किसी पार्टी का विचारधारा और पार्टी स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी मेरे कहने से थोड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनके कहने से हम क्यों नहीं लड़े। हाँ, एक बात हो सकता है, वो आरक्षण के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसी तरीके से मन की बात करके घोषणा कर दे कि हम आरक्षण 2024 से पहले लागू कर देंगे, क्योंकि 24 तक केंद्र में सरकार है उनकी। अगर 24 से पहले आरक्षण लागू कर देते तो हम कल विड्रॉल कर देंगे उत्तर प्रदेश में, हम उनके अच्छे मित्र बन के उनको मदद करेंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। और ऐसे अगर घोषणा नहीं करते तो हम तो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के निषाद समाज निषाद के बेटा के साथ खड़ा रहेंगे। बिहार के बाहर वजूद है क्या आपका? बीजेपी के कई नेता ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि यूपी में आएंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने यही पानी में वजूद हैं। तो हम ढूंढने के लिए आए हैं। ये मुझे भी 10 मार्च को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या वजूद है। इसके लिए किसी को तकलीफ किस लिए हो रहा है? अगर मेरी वजूद नहीं है तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी ये वजूद है तो ही तो घबरा रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी जय बोलना है, नहीं तो मिट्टी में मिल जाना है। तो भाई, वो बड़े आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मिट्टी में मिला सकते हैं, उनकी निर्णय है। मेरी तो लड़ाई है अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते मिट्टी में मिल जाना, और किस लोगों को मिट्टी में मिलाना है मुझे उसका परवाह नहीं है। हम तो स्पष्ट है कि आरक्षण लागू कर दे, मोदी जी जिंदाबाद करेंगे, योगी जी जिंदाबाद कहेंगे, और जब तक हमारा अधिकार जो नहीं देगा उसके लिए जरूरी पड़ा तो मुर्दाबाद भी कहेंगे। ठीक है, आप यानी कि मुर्दाबाद कहने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद हैं अजय निषाद, उनकी ओर से कहा गया है कि वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी अगर बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहना है कि अगर योगी योगी आपने नहीं कहा तो फिर आपको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं, वो समर्थन देने में स्वतंत्र हैं, लेने में स्वतंत्र हैं, वो बिहार में क्या करना वो सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे तरफ से
कोई किंतु परंतु नहीं, वो कल अगर हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, वो अपने बड़े नेता को कह के चाहिए तो निकाल सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। रहा कि मिट्टी में मिलाने की बात है, तो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हम मिट्टी में मिल जाना कबूल करेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमारा समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। और अजय निषाद जी तो वो भी निषाद परिवार के ही बेटा है, और उनको वो खुद रहकर और योगी और मोदी जी जिंदाबाद करें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। उनको लगता है कि उनको अपने घर परिवार अपने लिए राजनीति करना है तो वो करे, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। वो भी तो निषाद का बेटा है, वो जिंदाबाद करे, हमें कोई ऐतराज नहीं रहेगा। राजनीति में आने के पहले मुकेश सहनी जी, आप बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर के तौर पर अपनी पहचान रख रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के बाहर भी अपने लिए स्टेज तैयार करना चाहते हैं मुकेश सहनी, इसीलिए आप बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बीजेपी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार झारखंड में यूपी में कहां खड़े हैं? यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास 15% वोट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद का बेटा जो है ना, निषाद के हक अधिकार के लिए जो बात करेगा उनके साथ खड़ा होगा। आज 6 साल पहले 2 साल पहले हमारी कोई वजूद नहीं था बिहार में, हमने 2018 में पार्टी बनाया और हम सही ईमानदारी से हमने लड़ाई लड़ा, आज बिहार में सत्ता में और सिस्टम में हम आ गए हैं, और अपने समाज के लिए और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने अपनी लड़ाई हमने बनाया है, ये बनाया है, जमीन बनाया है। हम मुंबई से बिहार अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, ना ही कि मंत्री बनने के लिए मैं आया, और ये तो एक प्रक्रिया बना, एक परिस्थिति बना कि आज मैं बिहार सरकार में मंत्री हूँ, और मुझे मालूम है कि ये कुर्सी मेरे लिए सदा के लिए नहीं है, आज सत्ता में हूँ कल नहीं भी रहूंगा, और मैं ये कुर्सी से प्यार कभी नहीं किया हूँ ना कभी करूंगा, क्योंकि मेरा विजन ही नहीं रहा। हाँ, अपने समाज से मैंने प्यार किया है और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैंने निर्णय ले लिया हूँ, और उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, इसका अंजाम जो भी होगा वो मुझे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है जी। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आपको नेता बने, लेकिन नेतागिरी करने और नेताओं जैसी भाषा बोलने में पूरी महारत आपकी ओर से हासिल करने नहीं, नहीं, ये कहते हुए कि नहीं, मैं तो कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आज कुर्सी है कल चली जाएगी, मतलब गीता का सार पूरा सुनाने लगे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन ये बताइए मुकेश जी, यूपी की जनता, अगर निषाद वोटर्स की मैं बात करूं, तो वो मुकेश सहनी पर भरोसा करेगी या डॉक्टर संजय निषाद पर भरोसा करेगी? ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ना, हम पे भरोसा करेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी पे करेंगे, जो पार्टी नहीं चला के वो दुकान चला रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे वो क्या पार्टी चला रहे हैं कि दुकान चला रहे हैं, और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, खास करके अपने लोगों के बीच में, और उस समय डिसीजन हो जाएगा, और मुझे लगता है कि मेरे भी वो दुकान चला रहे समझ में आ जाएगा 10 तारीख को कि मेरे पास क्या लोग रहे हैं जी। हाँ, अभी देखिए उन्होंने पार्टी बनाया और हम लोगों ने सहयोग करके उनको 2016 में उनकी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा भूमिका मेरा रहा, मैंने उनको पार्टी बनवाया, 2016 में चंपा देवी पार्क में रैली करवाया, बहुत सारा मैंने मदद किया उनको, और उसके बाद उन्होंने पार्टी चलाया, 17 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, एक अलग निर्णय लेके हम लोगों को साइड करके चुनाव लड़ा, 2019 में उनके पास अपना पार्टी रहते हुए, सॉरी पहले 18 में अपने पास पार्टी रहते हुए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के बेटा को सांसद बना लिए, 2019 में भी बीजेपी के पास जाके अपने बेटा को सांसद बना लिए, अभी बीजेपी के तरफ से MLC बन गए, तो वो पार्टी थोड़े चला रहे हैं, समाज की लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं, वो तो अपने घर परिवार को और खुद को मजबूत होना चाह रहे हैं। आज तो मैं देखिए कि मैं बिहार में सरकार में रहकर भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कल मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दे, मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और लड़ूंगा, जिनको निकालना जिनके पास जो ताकत है लड़े, आज जो मुझे जो पावर मिला है मेरे दम पे नहीं मिला, अभी तक का जो माहौल है नहीं दिखता हूं कि माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है टक्कर है जी, ठीक है, ऐसे में मुकेश सहनी किसको जिताने के लिए चुनावी मैदान में है? मैं अपने आप को बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही अब तक जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मान रहे हैं, नहीं मैं अपने आप किसको जिताने के लिए चुनावी मैदान में है आप? मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने समाज के बीच में मैं जाऊंगा, और मुझे मालूम है 15% वोट हमारे खिलाफ कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं आप? हम 165 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 165 सीट पर मजबूती से हम लड़ेंगे, और मैक्सिमम सीट पूर्वांचल में है और 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, परिणाम 10 तारीख को आएगा और हमें भी एहसास हो जाएगा कि हमारे पास 15% वोट है कि नहीं है। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, सॉरी योगी जी उनको धन्यवाद है, और मेरे से साथ बिहार में दोस्ती है,
तो अगर वो कहेंगे कि अयोध्या में एक सीट पे आप कैंडिडेट नहीं दीजिए, तो मैं उनकी बात को मान लूंगा, और शायद योगी जी अगर चाहेंगे तो हम उनको एक सीट पे कैंडिडेट नहीं देंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो जबरदस्त है। फिलहाल के लिए मुकेश सैनी जी बहुत शुक्रिया, आप जो दावा आप कर रहे हैं इसमें कितना दम है, इसके लिए तो हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा।